Assalamu alaikum viewers, this is me Umeh Khan, UK from Pak. Aapka mera rahega saath with another quick and easy recipe of mine. So let's get started. In the name of Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. Aaj hamari kitchen mein banne ja raha hai bahut hi zabardast sa degi style ka chicken shorbe wala. To chalte hain recipe ki taraf. Sabse pehle hum logon ne pan ke andar 1/4 cup oil add karna hai. Thoda sa usko garam karne ke baad usme hum logon ne 2 adad bade pyaaz रफली चॉप करके वॉइड करने हैं और उनको इतना कुक करना है कि उनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए ऑन मीडियम टू लो फ्लेम एज यू कैन सी. इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है इसमें 2 टेबल स्पून और जस्ट लाइक ऑलवेज तमाम रेसिपीज़ की तरह मैंने लहसुन अदरक को पेस्ट बनाते हुए 1/2 टीस्पून बीच में सूखा धनिया भी ऐड किया था जिससे इसका फ्लेवर बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है. सो डू ट्राई इट एट योर होम whenever you cook at your home. इसको थोड़ा सा हम लोगों ने 2-3 मिनट्स के लिए मज़ीद सोते करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कि इनका अच्छा सा अरोमा आ जाए जिंजर गार्लिक का. इसके बाद इसमें 2 या 3 अदद मीडियम टमाटोज को फाइनली चॉप करके वो ऐड करना है और उनको मिक्स करना है. साथ ही हमने इसमें 1 कप वाटर ऐड करना है. पानी ऐड करने के बाद बारी आती है ड्राई स्पाइसेस की और ड्राई स्पाइसेस में मैंने जो अज़ा ऐड किए हैं उसमें सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया क्योंकि सूखा धनिया ऑलरेडी 1/2 टीस्पून हमने पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ऐड किया था, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत या भुना और कुटा आप लोग ले सकते हैं आपकी चॉइस है, और 2-3 छोटे पीसेस दालचीनी स्टिक के यानी कि सिनेमन स्टिक्स के. वो तमाम इनको इसके अंदर ऐड करना है हम लोगों ने मसाले में और मज़ीद 1/2 कप वाटर ऐड करके इसको 15-20 मिनट्स के लिए आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना है जब तक कि ये मसाला ये ग्रेवी जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए, तमाम मसाला जो है वो मिक्स इन हो जाए, टेंडर हो जाए और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए. एज यू कैन सी कि यहाँ पर हम लोग का जो मसाला है वो बहुत ज़बरदस्त है रेडी हो चुका है और ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो गया है. अब इस स्टेज पर हम लोगों ने इसके अंदर क्लीन किया हुआ और वॉश किया हुआ 1 किलो चिकन ऐड करना है. साथ ही 8-10 ग्रीन चिलीज साबुत हम लोगों ने ऐड करनी है और इनकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट. जितने अच्छी आप लोग इसकी भुनाई करेंगे इस स्टेज पर उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर इन्हांस होकर आएगा, बहुत ज़बरदस्त आएगा ग्रीन चिलीज़ का, तमाम मसालों का और चिकन का. जितना अच्छा आप लोग इसको भुनेंगे उतना अच्छा इन रिच फ्लेवर इसका आएगा. तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने भुना है 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर ही. अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें आप लोगों ने मज़ीद 2 कप पानी ऐड करना है या जितना भी आप लोगों को शोरबा रखना है अपने खाने में उतना आप लोग पानी ऐड कर सकते हैं. और पानी ऐड करके इसको मज़ीद आप लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कवर करके रख देना है, तब तक के जब तक आप लोगों का चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर ना हो जाए, अंदर से गल ना जाए और अच्छी तरह से पानी में बॉयल आ जाए. एज यू कैन सी कि चिकन हम लोग का अच्छे से टेंडर हो गया है और शोरबे में बॉयल आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है. और अब इस स्टेज पे हम लोगों ने हसब ज़रूरत फाइनली चॉप्ड हरा धनिया ऐड करना है. इस स्टेज पे अगर आप लोग चाहें तो 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं. बिलीव मी गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा इस वक्त आपके किचन में फैल जाएगा. अब लास्ट में हम लोगों ने इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करना है 1/4 टीस्पून या फिर
हाफ टी स्पून जितना भी आप लोगों को पसंद है। गरम मसाला जब भी आप लोग ऐड करें तो फ़ौरन अगर कवर कर देंगे आप लोग हांडी तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका फ्लेवर और अरोमा आएगा। गाइस घर में आप लोग बिल्कुल देगी स्टाइल का चिकन घर में आराम से रेडी कर सकते हैं लाइक दिस। इसे आप लोग रोगनी नान के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जिस तरह भी आप लोगों को पसंद है आप लोग सर्व कर सकते हैं। सो डू ट्राई इट योर होम। मैंने इसको सिंपल हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करके सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ जस्ट लाइक माई प्रीवियस रेसिपीज मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। दिस इज़ मी उम्मे खान साइनिंग ऑफ यूके फ्रॉम पाक। आपका मेरा रहेगा साथ। अल्लाह हाफिज़।